एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल में। जी हां स्टूडेंट, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप NIVS बेस्ड सर्टिफिकेट्स घर बैठे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आप मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट घर बैठे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। फुल प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, आपको लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। अगर आप बीच में लेक्चर को स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और भले आप इस लेक्चर को लाइक न करें पर अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दे ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसको इसकी जरूरत है उनको इससे हेल्प मिल सके। मेरा नाम है अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं NIVS रिजल्ट सीरीज का लेक्चर 10। इससे पहले हमने आपके रिजल्ट सीरीज में 9 लेक्चर पहले ही अपलोड कर रखे हैं। क्या होता है, जब भी रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स के मन में रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे कि अगर आपके रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट होते हैं, उसके ऊपर हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसमें हमने बता रखा है अगर आपके रिजल्ट में SYCP, SYCT, NC या अथर कोई भी वर्ड आया तो उनका मतलब क्या है और आपको पास होने के लिए क्या करना होगा। एक लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, उसमें ये बता रखा है अगर आप एक सब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्टों में फेल हो जाते तो आपको पास होने के लिए क्या करना होगा। उसमें हमने 3 गोल्डन तरीके बता रखे हैं। साथ ही एक लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, उसमें हमने ये बता रखा है अगर आप NIVS से 10th 12th करने के बाद आपको कौन से 4 सर्टिफिकेट मिलते हैं वो हमने बता रखा है। वो लेक्चर तो आपको जरूर देखना है। क्या होता है, आप टाइम पे सर्टिफिकेट लेने जाते नहीं है और बाद में आपको वो सर्टिफिकेट मिलते नहीं है। अगर मिलते भी है तो हमारे सेक्टर 62 नोएडा हेडक्वार्टर आना होता है और वहां से लेकर जाना होता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए आपको ये लेक्चर जरूर देखना है। आपको इस लेक्चर की लिस्टिंग सबसे ऊपर ही मिल जाएगी। उसके बाद हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसमें हमने ये बता रखा है अगर आपके रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है जिसमें हमने ये बता रखा है आप ऑन डिमांड एग्जाम का फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप उसका दोबारा से ऑन डिमांड किस तरीके से दे सकते हैं, फुल प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। आपको बस करना क्या है, आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। घर बैठे आप किस तरीके से कर सकते हैं, हमने फुल प्रोसेस बता रखा है। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा और आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। और लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको NIVS का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यहां पर आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाई जाती है, फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फ्री प्रैक्टिकल फाइल और TMA भी प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी हमारा ये चैनल आपको फुल हेल्प करता है। अगर आप री एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल आपको फुल हेल्प करने वाला है। दूसरा फायदा होगा 4 ऑल अपडेट, आपकी डेट शीट आती है, कोई भी अपडेट आता है NIVS की तरफ से तो सबसे पहले हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा, इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तीसरा बेनिफिट क्या होगा, 4CCP, हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है जिसमें हम आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं, इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मैं अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो है ये डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट है। डिजी लॉकर क्या होता है, डिजी लॉकर भारत सरकार की एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप अपने सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपके सरकारी दस्तावेज है वो आप यहां से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आप पहले से इस पर रजिस्टर है तो आपको साइन इन हो जाना है, और अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है, न्यू यूजर है, तो आपको साइन अप होना है, यानी अपना अकाउंट यहां पे आपको क्रिएट करना है। तो पहले मैं आपको साइन अप किस तरीके से होना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। तो नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक करना है। तो हमने यहां पर क्लिक कर दिया है। यहाँ स्टूडेंट हमारा नेट थोड़ा सा स्लो है, यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अब अपना नाम आपको यहां पे एंटर करना है। ध्यान रहे आपको वही नाम एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड पे है, वही आपको यहां पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहां पे स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना यहां पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना है और यहां पे अपना एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको जनरेट करना है, इसको आप पासवर्ड की तरह यूज करेंगे, आप कुछ भी यहां पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना है और यहां सबमिट पे क्लिक करना है।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आप इजीली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आपको बैक पेज पे आना है। जिस पेज से आपने शुरुआत की थी उस पेज पे आपको वापस आना है। इस बार आपको साइन इन पे क्लिक करना है, जो आपने पीछे अकाउंट क्रिएट किया था उसके बेस पे आपको यहां पे साइन इन पे क्लिक करना है। तो हमने यहां पे साइन इन पे क्लिक कर दिया है, आप जैसा कि देख रहे होंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ये आप देख रहे होंगे। यहां पे आपको आधार नंबर डालना है जो आपने पीछे जिससे अकाउंट क्रिएट किया है। उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का यहां पे पिन डालना है और उसके बाद आपको यहां पे साइन इन पे क्लिक करना है और आप इजीली साइन इन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर आपको जो ये डॉट्स दिख रहे हैं यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर ब्राउज डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप ये नीचे देख रहे होंगे। ब्राउज डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हालांकि आपको यहां पर सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी यहां पर से आप अपने डॉक्यूमेंट सर्च भी कर सकते हैं, पर कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण यहां पर सर्च करने पे वो डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे यहां पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पर आपको यहां पर क्लिक करना है। ये आप देख रहे होंगे यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको अपने बोर्ड का नाम दिखने लग जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं यहां पे सभी बोर्ड, जितने भी सेंट्रल बोर्ड है उनके नाम आ चुके हैं। हमें आप यहां पर NIUS ढूंढना है। तो आप ये देख रहे होंगे ये आ गया हमारा NIUS बोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए अब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहां पे आपके सारे सर्टिफिकेट शो होने लग जाएंगे, जो क्लास 10th और 12th में जो जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो आपके सामने शो होने लग जाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे यहां क्लास 10th की मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, साथ ही नीचे प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसके बाद क्लास 12th के वही सारे सर्टिफिकेट है। आपको जो भी डाउनलोड करना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक कर लेना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपके जो ये सर्टिफिकेट है ये रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद तक आते रहते हैं, एक ही दिन ये सारे सर्टिफिकेट नहीं आते हैं। तो हो सके आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, इन सब में एरर, किसी एक दो में एरर आपको देखने को मिल जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ टाइम वेट करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जब वो अपडेट हो जाएगा तब वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहां सबसे पहले मार्कशीट डाउनलोड करते हैं, इसके लिए हमें यहां पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका नेम शो होगा, उसके बाद आपका रोल नंबर आपको यहां पे डालना है, उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर डालना है, और उसके बाद यहां पे आपको टिक के निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे गेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट मैसेज करके कहते हैं सर हमारे डॉक्यूमेंट, जब हम गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है, कुछ टाइम बाद इजीली वो इशूड लिखा हुआ आ जाएगा और उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इजीली आप अपना डॉक्यूमेंट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देख के ही मिल जाएगा। और जाते जाते चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाता है, सारे नोट्स प्रोवाइड करवाता है, साथ ही आपको सारी अपडेट देता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।